सर पनासिया बायोटेक बड़ी गिरावट आई है, अगर है मेरे पास तो मैं बना रहा हूँ, होल्डर पनासिया तो मैं निकल रहा बायोटेक हूँ। की बात करें या पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ही बात करें, फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर दोनों में ही कोविड के टाइम पे जितनी अच्छी टिप्पणी आई थी 2022 में, उतनी ही गिरावट दोनों ही सेक्टर ने देखी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैपेसिटी एडिशंस कंपनीज कर रही हैं, और चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटजी है वहाँ पे भी इन लोगों को आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो स्टॉक्स हैं, जो भी स्टॉक्स हैं फार्मास्यूटिकल में या केमिकल में, वहाँ पे एक नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा 1 से 2 साल का, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं जब एक बार कैपेसिटी एडिशन हो जाता है और उसके बाद आपका टर्नओवर शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंप्रूव रहती है। तो इसकी वजह से ये स्टॉक जो है अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपका जो बाइंग लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है, आपने 200 रुपीज़ के लेवल पर बाई किया हुआ है और 136 अभी स्टॉक चल रहा है। बहुत ज़्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ स्टॉक में, 125 से नीचे मेरे हिसाब से स्टॉक नहीं जाना चाहिए, 125 के लेवल के आसपास बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट स्टॉक में बनता है। मेरे को लगता है कि कोई भी एक अच्छी न्यूज़ या कोई भी एक अच्छी रिजल्ट्स स्टॉक को दोबारा से क्रिएटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही ये स्टॉक 160 के लेवल के ऊपर निकलेगा, तब तो फिर आपको अपने जो 200 के लेवल है वो आते हुए रहेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो ये है व्यू पनासिया बायोटेक।